लास्ट वीडियो में देखा HTML के रिगार्डिंग इंटरव्यू में कैसे कैसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसका आंसर कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो मैंने और नीरज सर ने भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था, राइट। तो आज उसी को ही आगे ले जाते हैं, मीन्स अब आज हम देखते हैं CSS के अंदर इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसका आंसर आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, राइट। सो रेडी, फाइन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन यू इंटीग्रेट CSS ऑन अ वेब पेज? There are three ways to integrate CSS in your web page. Three ways में आप CSS को अटैच कर सकते हैं आपके HTML पेज के साथ. First, using inline CSS. Second, using internal CSS. And third, using external CSS. Inline CSS आप tag star tag के अंदर using star attribute आप properties and values दे सकते हो. Same way internal CSS आप style tag के अंदर, वो भी head section के अंदर, एंड देन टैग नेम, क्लास नेम या आईडी नेम देके यूज कर सकते हो. एंड थर्ड इज एक्सटर्नल CSS, जिसको आप अलग .css एक्सटेंशन से सेव करते हो एक फाइल को, और यूजिंग लिंक टैग अगेन इनसाइड योर हेड टैग, यूजिंग लिंक टैग विद यूजिंग RE एट्रीब्यूट ऑफ लिंक टैग, स्टार शीट एंड HRF में आप उस फाइल को अटैच कर दोगे. सो इस थ्री वेज में आप CSS को इंटीग्रेट कर सकते हो. यस, ग्रेट. तो जैसे कि सर ने एक्सप्लेन किया यहां पे, राइट, सेम वे अगर हमें CSS अप्लाई करना है HTML पेज के अंदर, तो अपने पास तीन तरीके हैं. तीन तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं CSS को, इंटरनल, इनलाइन एंड एक्सटर्नल. ठीक है, इनलाइन दैट मींस के जो भी अपना टैग है, जो एलिमेंट है, वो एलिमेंट के अंदर ही हम स्टाइल लिखेंगे और उसके अंदर आपको जो भी CSS कलर अप्लाई करना है, बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हो. इंटरनल दैट मींस के अपना जो HTML का स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर के अंदर हेड पार्ट में हम स्टाइल चेक क्रिएट कर सकते हैं. दैट मींस के फॉर एग्जांपल अगर अपने पास कोई पी टैग है, वो पैराग्राफ को कलर अप्लाई करना है, तो स्टाइल हम हेड पार्ट के अंदर डिफाइन करेंगे और उसी के अंदर हम पी टैग ओपन एंड क्लोज करके, मीन्स कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके, वहां पे हम उसकी CSS कलर या जो भी आपको अप्लाई करना है कर सकते हो. एंड थर्ड वे इज एक्सटर्नल CSS. सो एक्सटर्नल CSS दैट मींस के नाम से ही पता चल जाता है कि एक्सटर्नली कुछ कॉल करवाना है. दैट मींस के हम CSS की फाइल अलग से क्रिएट करेंगे. अभी तक जो क्रिएट कर रहे थे वो HTML की फाइल थी, बट अब CSS अप्लाई करने के लिए अलग से उसकी .css करके फाइल क्रिएट करेंगे और वो फाइल को हम HTML का जो पेज है उसके अंदर हेड पार्ट में लिंक टैग थ्रू कॉल करवाएंगे. सो दिस इज अ थ्री टाइप ऑफ CSS वी कैन इंटीग्रेट इन अवर HTML पेज, राइट. Next question is, what is a CSS selector? Okay, CSS selector actually specify करता है कि किस जगह आपको कोई style apply करनी है. जैसे कि आपके पास first आप जैसे अभी के लिए internal CSS की बात की, तो आप element को लिख सकते हो जैसे कि p and उसके बाद properties and value, तो उसको हम बोलेंगे element selector. Same way हमारे पास class and id भी है, dot करके class name and hash करके id name के थ्रू अगर हम उस specific element को CSS दें, तो वो class and id selector हो चुके. इसके बाद आप universal selector से भी use कर सकते हो, asterisk sign का use करके, and आप grouping selector का भी use कर सकते हो, आप comma comma करके multiple elements को भी दे सकते हो style. Those are called CSS selectors. Yes, so selector बहुत तरीके से आप apply कर सकते हो. एलिमेंट सिलेक्टर दैट मीन्स के पर्टिकुलर आप जो टैग डिफाइन कर रहे हो वो ही टैग को कॉल करके उसी में ही CSS अप्लाई करो. सेकेंड क्लास सिलेक्टर, पर्टिकुलर जो भी आपका टैग है वो टैग के अंदर आप कोई भी नाम का क्लास दे दो और वो ही क्लास के नेम को कॉल करवाओ एंड फिर उसको उसके अंदर आप CSS अप्लाई करो. जो क्लास अप्लाई करते हो वो हम डॉट से कॉल करवा सकते हैं. थर्ड एलिमेंट इज आईडी सिलेक्टर. ठीक है, तो आईडी सिलेक्टर हम हैश से डिफाइन करते हैं कि जो भी आपका पर्टिकुलर एलिमेंट है वो एलिमेंट के अंदर आप आईडी दे दो, वो आईडी का नाम जो भी दे रहे हो वो CSS के अंदर कॉल करवा दो हैश से. फोर्थ सिलेक्टर इज ग्रुप सिलेक्टर. ग्रुप सिलेक्टर दैट मीन्स के एक साथ आपको मल्टीपल एलिमेंट में CSS अप्लाई करनी है सेम CSS, तो आप ग्रुप सिलेक्टर का यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास H1 एलिमेंट है, P एलिमेंट है एंड div एलिमेंट है, ये तीनों में मुझे सेम कलर अप्लाई कर रहा है तो मैं ग्रुप सिलेक्टर का यूज करूंगी, राइट. एंड लास्ट वन इज यूनिवर्सल सिलेक्टर. दैट मींस कि ऐसी CSS जो आपको हर एक जगह अप्लाई करनी है. फॉर एग्जांपल मैं कोई एक वेबसाइट पे वर्क कर रही हूँ, वो वेबसाइट के अंदर जो भी मैं फॉन्ट मींस जो भी टेक्स्ट लिखूं वो सारे
टेक्स्ट सेम ही होने चाहिए और उसके अंदर हमें फंड फैमिली अप्लाई करनी है, तो मैं स्टार मीन्स एस्ट्रिक की जो साइन है वो अप्लाई करूंगी एंड फंड फैमिली जो भी आपको अप्लाई करना है आप अप्लाई कर दोगे तो वो मल्टीपल पेज में एक ही फंड फैमिली अप्लाई होगी, राइट। सो दीज आर एलिमेंट्स दीज आर सिलेक्टर्स जो हम यूज करते हैं रूटीन बेस में भी जब हम CSS अप्लाई करते हैं। एलिमेंट सिलेक्टर है, क्लास सिलेक्टर है, ID सिलेक्टर है, यूनिवर्सल सिलेक्टर है एंड ग्रुप सिलेक्टर है, फाइन। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ID सिलेक्टर। ओके, जैसे अभी हम लोगों ने बोला कि क्लास एंड ID दोनों सिलेक्टर के थ्रू हम किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को CSS दे सकते हैं, बट एक ही एलिमेंट में आप मल्टीपल क्लासेस अप्लाई कर सकते हो। डिफरेंस यही है कि आप मल्टीपल एलिमेंट में क्लास एंड ID दे सकते हो, बट सिंगल एलिमेंट में आप मल्टीपल क्लास दे सकते हो बट मल्टीपल ID नहीं दे सकते। सो बेसिक डिफरेंस यही है। यस, क्लास आप मल्टीपल एलिमेंट में अप्लाई कर सकते हो और मल्टी टाइम दे सकते हो, बट ID सिर्फ एक ही बार प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई लेआउट पे वर्क कर रही हूँ या सपोज समझ लो कि हमने कोई एक पेज क्रिएट किया, वो पेज के अंदर मेरे पास मल्टीपल डिवीजन है, ठीक है। तो फर्स्ट डिवीजन को मैं सिर्फ ID प्रोवाइड करूंगी, बाकी के जितने भी डिवीजन है उसको मैं क्लास दे दूंगी। सो क्लास वी कैन यूज मल्टी टाइम बट ID सिर्फ एक बार ही हम अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ID। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनलाइन ब्लॉक एंड ब्लॉक। इनलाइन एलिमेंट इनको बोलते हैं जो पेज की 100% वेट ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, और ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो पेज की 100% वेट ऑक्यूपाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, बी टैग एंड डिव टैग, बी टैग को इनलाइन बोलेंगे बिकॉज बी टैग में हेलो लिखा है तो सिर्फ वो हेलो तक ही ऑक्यूपाई करेगा स्पेस, और डिव के अंदर हेलो लिखा है तब भी डिव पूरी 100% वेट ऑक्यूपाई करेगा, मतलब उसके पास अगर कोई भी टैग लिखा तो नीचे आएगा ना कि उसके पास में। और इनलाइन एलिमेंट को हम मार्जिन, पैडिंग, हाइट, विड्थ ये सब नहीं दे सकते, बट अगर कोई एलिमेंट इनलाइन ब्लॉक है तो वो लाइन में भी आ सकता है एंड वो ब्लॉक की सभी प्रॉपर्टीज भी ऑक्यूपाई कर सकता है, मतलब वो मार्जिन, पैडिंग, हाइट, विड्थ सब एक्सेप्ट करेगा। ओके, सो जैसे कि सर ने बताया, ब्लॉक एलिमेंट दैट मींस के फॉर एग्जांपल डिवीजन है, पी है, तो ये सारे एलिमेंट्स क्या है कि हम लोग जितने भी सपोज फॉर एग्जांपल मैंने पी टैग लिया, पी टैग के अंदर सिर्फ मैं टॉप्स टेक्नोलॉजीज भी लिखती हूँ तो वो पूरी विड्थ ऑक्यूपाइड करता है, राइट। अगर उसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर अप्लाई करती हूँ तो वो पूरी लाइन ले लेगा। वही चीज अगर मैं इनलाइन में लेती हूँ तो इनलाइन दैट मीन्स के फॉर एग्जाम्पल स्पान टैग, तो स्पान टैग इनलाइन एलिमेंट है, राइट। तो उसके अंदर मैंने टॉप्स टेक्नोलॉजी लिखा, उसमें मैं अगर बैकग्राउंड कलर अप्लाई करती हूँ तो सिर्फ टॉप्स टेक्नोलॉजीज को ही वो अप्लाई होगा, सो दैट इज इनलाइन एलिमेंट, राइट। एंड इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट जो इनलाइन भी वर्क करता है एंड ब्लॉक लेवल में भी वर्क करता है, तो अगर हमें ऐसा कोई एलिमेंट यूज करना है कि जिसके अंदर हमें स्पेस भी एड करनी है, फॉर एग्जाम्पल मार्जिन अप्लाई करना है, पेडिंग अप्लाई करना है या हाइट विड्थ भी फिक्स करनी है, तो उस टाइम पे हम इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट का यूज कर सकते हैं, राइट। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन का मतलब ये होता है कि अगर मैंने कोई वेबसाइट बनाई और उसको लाइव भी कर दी, फॉर एग्जाम्पल जो आप स्क्रीन में देख रहे हो उसी स्क्रीन में मैंने वेबसाइट बनाई, तो आपको नहीं पता कि आपका एंड यूजर या आपका क्लाइंट किस स्क्रीन में उस वेबसाइट को देखेगा। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल डिवाइस पे देखेगा तो भी कौन सी मोबाइल में देखेगा, लैपटॉप में इससे छोटी या बड़ी कौन सी स्क्रीन में देखेगा, वी डोंट नो। तो ये एक अप्रोच है मीडिया क्वेरी का जो CSS का पार्ट है, इसके थ्रू हम किसी भी वेबसाइट को रिजर्वेशन डिपेंडेंट नहीं करते, इंडिपेंडेंट कर देते हैं उसको। दैट मींस कि मैं मीडिया क्वेरी में मैक्स मीन विड्थ का यूज करके किसी भी वेबसाइट को बेस्ड ऑन एनी व्यू पोर्ट हम उसको रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। यस, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन दैट मींस के कोई भी लेआउट या कोई भी डेटा आप जो आपकी स्क्रीन पे शो कर रहे हो या आपको जो भी दिख रहा है वो पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर तो बराबर दिख रहा है, बट वही चीज अगर आप मोबाइल में ओपन करते हो या उससे कोई भी छोटी स्क्रीन या बड़ी स्क्रीन में आप ओपन करवाते हो तो वो डिजाइन पूरी हिल जाती है। कई बार आप देखते भी हो कि डिजाइन आपने आपके मोबाइल के अंदर देखा तो वहां पे प्रॉपर दिख रहा है, बट मैं बड़ी स्क्रीन में वही अगर लेआउट देख रही हूँ तो वो डिजाइन मुझे प्रॉपर नहीं दिख रही, डिजाइन हिल जा रही है, राइट। तो उसका एक सॉल्यूशन है रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन,
जो हम CSS के अंदर मीडिया क्वेरी अप्लाई करवा करके करवा सकते हैं, राइट। मीडिया क्वेरी दैट मीन्स कि वो हर एक स्क्रीन के लिए भी हम अप्लाई करवा सकते हो और वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए भी हम अप्लाई करवा सकते हो। उसके अंदर हमें मैक्सिमम विड्थ एंड मिनिमम विड्थ अप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है, चाहे फिर वो मोबाइल स्क्रीन हो, टैबलेट स्क्रीन हो या कोई भी लार्ज स्क्रीन हो। उसके अंदर हम वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मीडिया क्वेरी यूज कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन दैट मीन्स के कोई भी डेटा, आपका जो भी इमेज है या वीडियो है या फिर कोई भी कंटेंट है, वो फ्लेक्सिबल हो जाए कि चाहे स्क्रीन बड़ी करो या छोटी करो, आपका जो भी कंटेंट है वो आपको प्रॉपर शो होना चाहिए, दैट इज रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सुडो एलिमेंट्स एंड सुडो क्लासेस। ओके, सुडो एलिमेंट्स एंड सुडो क्लासेस आपको सर्टेन बिहेवियर के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एंकर टैग है, सुडो एलिमेंट्स में पहले मैं लिस्ट बता दूं कि सुडो एलिमेंट में आप बिफोर, आफ्टर, सिलेक्शन, फर्स्ट लाइन, ये सभी यूज करते हो। सेम वे सुडो क्लासेस में आप होवर, एक्टिव, फोकस, ये सब क्लासेस यूज करते हो। दैट मीन्स किसी भी एलिमेंट पे कर्सर ले जाओ तब कुछ इफेक्ट चाहिए, जैसे कि पहले से बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए आपको, बट कर्सर ले जाओ तब आपको अप्लाई करनी है, देन वी हैव टू यूज सुडो क्लास होवर। तो एलिमेंट के बाद आप सिंगल कॉलम करके आप कॉल वो होवर सुडो क्लास अप्लाई करोगे तो वहां पर वो कर्सर ले जाने के बाद अप्लाई हो जाएगा। सेम वे सुडो एलिमेंट्स में आप बिफोर आफ्टर है, अगर एग्जांपल में देखो तो एच वन टैग में लिखा है मैंने हेलो, उस हेलो के आगे और पीछे लिखना है आपको कुछ भी कंटेंट थ्रू CSS। HTML में आपने कुछ नहीं लिखा पर आपको CSS के थ्रू उसके आगे पीछे लिखना है, देन यू हैव टू यूज सुडो एलिमेंट बिफोर एंड आफ्टर। ओके, यस। तो सपोज सुडो क्लास है तो सुडो क्लास हम सिर्फ ए टैग में ही अप्लाई कर सकते हैं या फिर कोई भी एलिमेंट में अप्लाई कर सकते हैं? नो, किसी भी एलिमेंट को अप्लाई हो जाएगा। सिर्फ आप उसमें टैग का नाम भी ले सकते हो, डॉट करके क्लास का नाम भी ले सकते हो, हैश करके आईडी का नाम भी ले सकते हो। उसके बाद सिर्फ आप सिंगल कॉलम या डबल कॉलम यूज करोगे तो सुडो एलिमेंट एंड क्लास दोनों वर्क करते हैं। यस, सो जैसे सर ने यहाँ पे बताया हमें कि सुडो एलिमेंट भी अलग है एंड सुडो क्लास भी अलग है, ठीक है। सुडो एलिमेंट्स दैट मीन्स के उसके अंदर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। सुडो एलिमेंट ऑलवेज हम वर्क करवाते हैं डबल कॉलम से, राइट, उसको डिफाइन किया जाता है डबल कॉलम से। बिफोर है, आफ्टर है, सिलेक्शन है, फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लेटर है, ये सारे सुडो एलिमेंट्स हुए। एंड सुडो क्लासेस दैट मीन्स के उसके अंदर हम जो भी अप्लाई करेंगे वो सिंगल कॉलम से अप्लाई करेंगे। सो लिंक, विजिटेड, होवर, एक्टिव, ये सारे सुडो क्लासेस हुए। ओके, सो सुडो एलिमेंट्स कहाँ पे अप्लाई करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैंने HTML में H1 में ऐसा लिखा हुआ है गुड, सिर्फ मैंने गुड प्रिंट करवाया है, बट CSS से मुझे उसके बाजू में मॉर्निंग प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो हम लोग आफ्टर कंटेंट का यूज कर सकते हैं, राइट। अगर उसके आगे कुछ प्रिंट करवाना है तो हम बिफोर कंटेंट का यूज कर सकते हैं, राइट। वैसे अगर मेरे पास एक पैराग्राफ है तो पैराग्राफ को जब भी मैं सिलेक्ट करूं तब उसका मुझे कलर चेंज करवाना है, तो उसके लिए अपने पास सिलेक्शन है, राइट। फिर जैसे ही हम लोग पैराग्राफ रन करवाते उस पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर मुझे उसकी फॉन्ट की साइज बड़ी चाहिए, राइट, तो हमारे पास फर्स्ट लेटर करके है। वैसे ही फर्स्ट लाइन है जिसमें आप कलर, बैकग्राउंड कलर, व्हाटएवर CSS अप्लाई कर सकते हो, तो उसको सुडो एलिमेंट्स बोला जाता है। एंड सुडो क्लास जनरली हम अप्लाई करते हैं ए टैग के अंदर होता है, सब में आप अप्लाई कर सकते हो बट जनरली हम लोग अप्लाई करते हैं ए टैग के अंदर कि भाई बाय डिफॉल्ट लिंक का कलर, लिंक के ऊपर जब मैं होवर करती हूँ मीन्स माउस अपना कर्सर वहां पे ले जाता है तब हम कलर चेंज करवा सकते हैं। फिर उसके बाद लिंक जब एक्टिव हो जाता है तब उसका कलर, ठीक है, लिंक में सिर्फ विजिट होता है तब उसका कलर। मीन्स ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कलर ही चेंज करवाओ, कोई भी CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करवा सकते हैं, राइट। सो दिस इज द सुडो एलिमेंट्स एंड सुडो क्लासेस। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन विजिबिलिटी हिडन, डिस्प्ले नन एंड ऑपेसिटी जीरो। There are three ways to hide any element in HTML. So, hide करने के लिए आप visibility hidden, display none and opacity zero का use कर सकते हो। Difference ये है कि visibility hidden and opacity zero में वो content या element गायब तो हो ही जाता है, but उसकी space occupy रहेगी वहाँ पर, मतलब वहाँ पर आपको खाली space दिखेगी। और display none में वो खाली space भी चली जाती है, मतलब element के साथ साथ वो space भी नहीं होती। That is the basic difference. Yes. हालांकि विजिबिलिटी हिडन, डिस्प्ले नन एंड ऑपेसिटी जीरो काम तीनों सेम ही करता है कि जो अपना डेटा है वो हाइड करके देता है, राइट।
बट डिस्प्ले नन क्या करता है, डिस्प्ले नन हमने जब भी कोई भी प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल मैंने पी टैग लिया और पी टैग को मैं डिस्प्ले नन करवाती हूँ, तो उसका मीनिंग क्या होगा कि वो पी टैग की जो जगह है वो भी वहां से चली जाएगी, राइट। उसकी जगह अगर पी टैग के नीचे हमने कोई एच वन एलिमेंट लिया हुआ है तो वो एच वन एलिमेंट पी टैग की जगह चला जाएगा, राइट। मीन्स की वो कोई स्पेस ऑक्यूपाइड करके नहीं रखता है, राइट। उसकी जगह अगर हम विजिबिलिटी हिडन या तो फिर ऑपेसिटी जीरो का यूज करते हैं तो वो क्या करता है, वो उसकी जो भी जगह है वो एज इट इज रखेगा, सिर्फ वहां से डेटा को हाइड करता है, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन विजिबिलिटी हिडन, ऑपेसिटी जीरो एंड डिस्प्ले नन। सो वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द पोजीशन स्टेट्स इन सीएसएस। ओके, टोटल फाइव पोजीशंस आर देयर इन सीएसएस। फर्स्ट स्टैटिक, फिक्स्ड, स्टिकी, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। स्टैटिक बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, जैसे आप कलर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू अभी ब्लैक होती है, वैसे ही बाय डिफॉल्ट सभी एलिमेंट स्टैटिक पोजीशंस में होते हैं। और इसके अलावा किसी भी कंटेंट को आपको फिक्स्ड करना है, इवन आफ्टर अगर आपको स्टोर कर रहे हो तब भी, आपने बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा कि ऊपर की हेडर फिक्स्ड है तो उसको हम फिक्स्ड कर सकते हैं यूजिंग पोजिशन फिक्स्ड वैल्यू। वैसे ही स्टिकी, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ये सभी स्टेट्स हैं सीएसएस में पोजिशंस के। यस, जैसे सर ने बताया कि फाइव टाइप की पोजीशंस है जो हम सीएसएस में अप्लाई कर सकते हैं, स्टैटिक है, फिक्स्ड है, स्टिकी है, रिलेटिव है एंड एब्सोल्यूट है, राइट। स्टैटिक जो बाय डिफॉल्ट जब भी हम कोई भी कंटेंट लाइक एलिमेंट लेते हैं, डी टैग मैंने लिया तो उसकी डिफॉल्ट पोजीशन स्टैटिक ही रहेगी। फिर उसके बाद फिक्स्ड, फिक्स्ड दैट मींस कि कोई ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसा पोर्शन जो आपको फिक्स करवाना है कि मैं कितना भी स्क्रोल करूं वो वहां पे ही रहना चाहिए, वो स्क्रोल में ही होना चाहिए, राइट। तो उसको हम फिक्स पोजीशन अप्लाई करते हैं। पोजीशन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट जनरली एक साथ हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि कि कोई ऐसा एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल एक डिव एलिमेंट है उसके अंदर भी दूसरा डिव एलिमेंट है, तो फर्स्ट वाला जो डिव एलिमेंट है उसको हम अप्लाई करेंगे पोजीशन रिलेटिव और उसके अंदर वाला जो है उसको हम एब्सोल्यूट अप्लाई करवाएंगे, राइट। एंड अगर स्टिकी की बात करते हैं तो स्टिकी दैट मीन्स के मेरे पास कुछ कंटेंट है, कंटेंट के बाद दूसरा कोई ऐसा नेविगेशन बार है, राइट। वो जब भी मैं स्क्रोल करूं तो पर्टिकुलर स्टेट पे आके वो स्टॉप मींस फिक्स हो जाना चाहिए, तो उस टाइम में हम स्टिकी अप्लाई करवा सकते हैं, राइट। सो दीज आर द पोजीशंस वी कैन अप्लाई इन सीएसएस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ज़ाइलिनक्स। ओके, जैसे अभी हम लोगों ने बात की अपने पास इतनी पोजीशंस अवेलेबल है और उसमें से जब मैंने पोजीशन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट यूज की है तो एब्सोल्यूट लेयर अप जब यूज करते हैं तो एक से, जैसे मेरे पास चार डिव हैं और चार डिव को मैंने एब्सोल्यूट पोजीशन दी है तो वो चारों डिव एक दूसरे के ऊपर नीचे सेट हो जाएंगे, वो लेयर क्रिएट हो जाता है। उस लेयर में से कौन सा वाला डिव ऊपर या नीचे चाहिए, तो मतलब वो लेयर में से किस डिव को ऊपर या नीचे ले जाना है, उस लेयर का सिक्वेंस हम चेंज कर सकते हैं ZNX से। तो ZNX की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है जीरो और उसमें माइनस एंड प्लस वैल्यू भी जाएगी। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू जीरो है तो अगर आपको अप लाना है तो जिस डिव का आप जेड इंडेक्स वन करोगे वो ऊपर आ जाएगा और जिसका माइनस में जाएगा, या जिसकी, इन शॉर्ट जिसकी हायर वैल्यू होगी वो अप रहेगा, जिसकी लोअर वैल्यू होगी वो डाउन रहेगा। यस, सो जेड इंडेक्स दैट मींस के पर्टिकुलर स्टैक ऑर्डर में आपके एलिमेंट को डिफाइन करना है तो आप जेड इंडेक्स का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास तीन डिवीजन है, ठीक है, तीन डिवीजन को एक के ऊपर ओवरले करना है तो उसके लिए हमें पोजीशन तो अप्लाई करनी ही पड़ेगी, क्यों, क्योंकि खुद की जगह से उसकी जगह चेंज करनी है, राइट। उसके साथ साथ हमें Z index क्यों अप्लाई करना है, क्योंकि डिवीजन मैंने तो ऑर्डर में लिखे है बट ऑर्डर में लिखने के बाद मुझे सीएसएस से उनका ऑर्डर चेंज करना है, तो वो ऑर्डर चेंज करने के लिए हम Z index का यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट Z index की जो वैल्यू होती है वो जीरो रहती है, ठीक है। जैसे ही आपको कोई भी ऑर्डर अगर फर्स्ट पे रखना है तो उसकी वैल्यू आप पॉजिटिव रखो, राइट। जो आपको लास्ट में रखना है तो आप उसको माइनस में भी दे सकते हो, राइट। सो डिफॉल्ट वैल्यू इज जीरो। सो दिस इज द Z index। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन सीएसएस ग्रिड वर्सेस फ्लेक्स बॉक्स। ओके, सीएसएस ग्रिड एंड फ्लेक्स दोनों ही आपकी वेबसाइट का सेक्शन लेआउट बनाने के लिए यूज होते हैं, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। डिफरेंस ये है, CSS टू डायमेंशनल सिस्टम है जिसमें रो कॉलम दोनों पर रो वर्क कर सकता है, और फ्लेक्स बॉक्स सिंपल वन डायमेंशनल सिस्टम है, वो आइदर रो या कॉलम दोनों में से एट ए टाइम किसी भी एक पे वर्क कर सकता है। मतलब एप्रोप्रिएट अगर आपको यूज करना है तो फ्लेक्स बॉक्स ही यूज करते हैं हम, बट अगर आपको लार्जर कॉम्प्लिकेटेड लेआउट बनाना है जो लीनियर फॉर्मेट में नहीं होता
उसके लिए हम CSS ग्रिड यूज करते हैं। यस, जिसे कि सर ने यहाँ पे हमें एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि लाइक ग्रिड लेआउट कब यूज करते हैं, कि लार्जर स्केल में आपका लेआउट अगर क्रिएट होता है तो वो टू डायमेंशनल पे वर्क करता है, ठीक है, रो एंड कॉलम दोनों पे वो वर्क करेगा, जहाँ की फ्लेक्स बॉक्स है पर्टिकुलर या तो फिर रो पे वर्क करेगा या तो फिर कॉलम पे वर्क करेगा, ठीक है। हाँ, जनरली इंडस्ट्री में फ्लेक्स का ज्यादा यूज होता है, राइट, बट हाँ ग्रिड का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, वो भी यूज में इतना ही आता है क्योंकि वो टू डायमेंशनल पे वर्क कर रहा है रो एंड कॉलम में। तो जैसे ही हमारे पास लेआउट है, वो लेआउट अगर लेंथ लिमिट में भी ज्यादा है और उसके साथ साथ जो भी हम लेआउट क्रिएट करते हैं वो लेआउट ग्रिड में अप्लाई करना है, मीन्स अलग अलग कंटेंट अप्लाई करना है, तो हम ग्रिड का ज्यादा यूज करते हैं, राइट। एंड फ्लेक्स बॉक्स में भी सेम, कि फ्लेक्स है तो फ्लेक्स अप्लाई करने के लिए हम फ्लेक्स का यूज करते हैं, उसमें भी अपने पास बहुत अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, राइट, कि उसको जस्टिफाई कंटेंट है, सेंटर है, बिटवीन है, वैसे ग्रिड में भी है, श्रिंक करना है हमें, ग्रो करना है, अलग अलग उसके अंदर भी प्रॉपर्टीज होती है। बट इन शॉर्ट की ग्रिड लेआउट है वो टू डायमेंशनल सिस्टम में वर्क करता है एंड फ्लेक्स बॉक्स है वो वन डायमेंशनल में वर्क करता है।